हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू रीड चैप्टर वन एयर फ्रॉम टर्म थ्री. यू शुड रीड अलोंग विथ मी. चिल्ड्रन, रीडिंग अ लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. यू शुड लर्न हाउ टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली. देयर फोर यू विल हैव टू प्रैक्टिस. सो दिस इज योर रीडिंग क्लास. सो लेट अस स्टार्ट. चैप्टर वन एयर. ए आई आर एयर. ए आई आर एयर. एयर इज ऑल ए आर ओ यू एन डी अराउंड अस. एयर इज ऑल अराउंड अस. इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट. एफ ई एल felt. Felt is past form of feel. When it moves. M-O-V-E-S. Moves. It cannot be seen but can be felt. When it moves. We cannot live without air. We cannot live without air. We breathe it all the time, even when we are asleep. We breathe, B-R-E-A-T-H-E, breathe it all the time, even when we are asleep. Air occupies. O-C-C-U-P-I-E-S, occupies space and has weight. Air occupies. Occupies means to fill a space or period of time. And has weight. Air occupies space and has weight. You must have seen a balloon. It has air filled in it that increases its size. You must have seen a balloon. It has air filled in it that increases its size. This shows that air occupies space. This shows that air occupies space. Children, air is very essential for all living beings. Air is all around us. Air is all around us. Air हमारे चारों ओर है. We cannot see, but we felt. आपने देखा होगा लीव्स को हिलते हुए, है ना? तो उन्हें कौन हिलाता है? उन्हें एयर हिलाती है. सो जब एयर मूव होती है तो हम उसे सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट हम देख नहीं सकते. हम एयर को अब ब्रीदिंग प्रोसेस में यूज करते हैं. एयर जो है स्थान घेरती है और इसका वेट होता है. आपने देखा होगा बलून को, जब इसमें एयर फिल नहीं रहती है तो यह तो पिचकुसा रहता है, लेकिन जब हम इसे में एयर फिल करते हैं तो बलून जो है वो फूलने लगता है, है ना? सो इट्स प्रूफ एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. लिविंग थिंग्स नीड एयर. Living things need air. I have already told you. Air. All living things need air. All living things need air to breathe. All living things need air to breathe. They will die without air. They will die without air. Even plants breathe air.
Even plants breathe air. Let us learn more about it by doing an activity. Take two potted plants. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए. इवन प्लांट्स को भी एयर चाहिए. चलिए ये जानने के लिए आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है. कवर द फर्स्ट प्लांट विथ अ पॉलीथीन बैग. कवर द फर्स्ट प्लांट विथ अ पॉलीथीन बैग. कवर द फर्स्ट प्लांट विद द पॉलीथीन बैग. लीव द अदर प्लांट एज इट इज. लीव द अदर प्लांट एज इट इज. कीप बोथ प्लांट्स इन एन ओपन प्लेस फॉर टू डेज एंड ऑब्जर्व. कीप बोथ प्लांट्स इन एन ओपन प्लेस फॉर टू डेज एंड ऑब्जर्व. You will see that the uncovered is the opposite form of cover. Plant remains green and healthy, whereas the covered plant has dried up. It may even be dead. दो प्लांट लेना है और एक प्लांट को पॉलीथीन से कवर करना और उन्हें ओपन प्लेस में रखना है. आफ्टर टू डेज आप देखेंगे जो ओपन प्लांट था जिसे हमने पॉलीथीन में कवर नहीं किया था वो तो फ्रेश है, बट जो दूसरा प्लांट है जिसे पॉलीथीन से कवर किया गया वो ड्राइड हो गया है. इवन वो मर भी सकता है क्योंकि उसे एयर नहीं मिल रही है. दिस इज बिकॉज द कवर्ड प्लांट डिड नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रीद. दिस इज बिकॉज द कवर्ड प्लांट डिड नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रीद. ओके चिल्ड्रन, जो कवर्ड प्लांट था उसे इनफ एयर नहीं मिली. सो दैट्स प्रूफ ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ. नाउ टाइम टू आंसर. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एनिमल्स नीड एयर to breathe. Animals need air to breathe. This is statement true or false? This statement is true. All living things do not need air. All living things do not need air. This statement is true or false? This statement is false. So we write F for false statement. Plants die without air. Plants die without air. This statement is true. So we write true for this statement. Forms of air. Forms of air. आपने देखा होगा बच्चों, कभी तो बहुत धीरे 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 एयर चलती है, मूव करती है, तो कभी एकदम तेज, और कभी कभी क्या होता है एयर के साथ धूल के कण भी उड़ते हैं, और कभी कभी तूफान जैसी एयर भी चलती है. सो दे ऑल आर फॉर्म्स ऑफ एयर. वी कैन फील the air when it moves.
We can feel the air when it moves. Moving air is called wind. W-I-N-D, wind. Moving air is called wind. Moving air is called wind. Moving air को क्या कहा जाता है? Wind. Moving air को wind कहा जाता है. Gently blowing air is called breeze. Gently blowing air is called breeze. B-R-E-E-Z-E, breeze. B-R-E-E-Z-E, breeze. B-R-E-E-Z-E, breeze. Gently blowing air is called breeze. देखिए यहाँ ये प्लांट्स जो हैं वो हल्के हल्के मूव कर रहे हैं, तो ये ऐसे जब एयर चलती है तो उसे ब्रीज कहा जाता है. When wind blows very fast, when wind blows very fast, it is called storm. When wind blows very fast, it is called storm. जब विंड बहुत फास्ट ब्लो करती तो उसे स्टॉर्म कहा जाता है. अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ ऑफ होम्स. अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज. स्टॉर्म क्या करते हैं? ट्रीज को उखाड़ लेते हैं, अपरोटेट कर लेते हैं. क्यों? आपने देखा होगा जब जब बहुत तेज स्टॉर्म होता है तो बहुत सारे प्लांट्स जो है वो गिर जाते हैं. एंड ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ होम्स, और कहीं कहीं तो प्लांट्स जो होम्स के छत होते हैं, रूफ्स होते हैं, वो भी उड़ जाते हैं. आई स्टॉर्म comes with thunder, lightning and rain. A storm comes with thunder, T-H-U-N-D-E-R, thunder, lightning, L-I-G-H-T-N-I-N-G, lightning and rain. And rain. Now students, time to answer. Match the following. Column A, column B. Wind. Gently moving air is called wind, or very strong winds are called wind, or moving air is called wind. What? Moving air is called wind. So, breeze. B-R-E-E-Z-E, breeze. Gently moving air or very strong winds. Gently blowing air is called breeze. Storm. Very strong winds. Storm. Very strong wind. Winds. Uses of air. Air is needed for burning. Air is needed for burning. Wind moves the blades of a windmill. Wind moves the blades of a windmill. एयर जो है, विंड मिल जिसे हिंदी में पवन चक्की भी कहा जाता है, उसे उनकी ब्लेड को मूव करने में हेल्प करती है. एयर मेक्स पैराशूट एंड काइट्स फ्लाई. एयर मेक्स पैराशूट्स एंड काइट्स फ्लाई. एयर जो है काइट्स और पैराशूट को मूव करने में और फ्लाई करने में हेल्प करती है. Wind moves a shell boat.
विंग जो है शेलबोट को मूव करने में हेल्प करती हैं. सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. रीड द लेसन केयरफुली.